हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की मंडियों में फैली अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फोन पर बातचीत कर प्रदेश के हालातों पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान मुख्य परेशानी मंडियों में फैली अव्यवस्था पर दिलाया है और आढ़तियों के साथ समन्वय बनाकर खरीद को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हड़ताल और आपसी टकराव सही नहीं है, हम सबको आपसी सहयोग से किसान हित में काम करना चाहिए। केवल 15 या 20% अपना ब्यौरा अपनी फसल का है, रजिस्ट्रेशन वाली बात है, कईयों ने नहीं कराई, कईयों की जब चला जाता है मैसेज तो उसकी कटाई भी नहीं हुई होती, तो कई बार कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी इससे संतुष्ट नहीं है, आड़ती भी संतुष्ट नहीं है। और इस अव्यवस्था की वजह से सरसों की भी पूरी खरीद नहीं है उसकी, और गेहूं की जिस स्पीड से खरीद हो रही है इसमें कई महीने लगेंगे, परेशानी का कारण है। तो मैं समझता हूं आज समय है, इस महामारी के समय सबको एक होकर जब किसान और ये की मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से भी बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है भाई इनका समाधान निकालें आप, क्योंकि आज किसान का मनोबल गिरने से पूरे देश को नुकसान होगा, और किसान का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे, उनकी लड़ाई हमारा लड़ना हमारा फर्ज है।